अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें मैं दीक्षा दराज हॉल शेयर करूंगी जिसमें मजे मजे के मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। इफ यू आर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये फेक नेल्स काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में थे और मैं जब भी इनको ऑर्डर करने लगी हूँ तो ये मुझे आउट ऑफ स्टॉक मिले हैं। तो फाइनली मैंने ये नेल्स ऑर्डर कर लिए अपने लिए। तो जब से मैंने अपने नेल्स वगैरह कट किया ना तो तब से मुझे फेक नेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने काफी सारे पेजेस देखे लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे। सो फाइनली आई गॉट माई दीज ब्यूटीफुल फेक नेल्स। तो सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, तो काइंडली आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा। इसकी क्वालिटी 10/10 है, वरना मैंने काफी सारे फेक नेल्स लिए हैं लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी और फाइन नहीं होती है। ये मुझे बहुत कमाल के मिले। और ये कंसीलर मैंने जो है दूसरे से तीसरी दफा ऑर्डर किया है। मैंने काफी सारे कंसीलर्स ट्राई किए हैं लेकिन किसी की कवरेज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे इसकी कमाल की लगी है। ये मेरे डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को इतने अच्छे से कवर कर लेता है। प्राइस में भी बहुत मजे का है क्योंकि मुझे डेली यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मुझे इस टाइप की मेकअप चीज चाहिए होती है जो कि मेरे बजट में आ जाए आसानी से। नाउ यू कैन सी इसकी कवरेज कितनी ज्यादा फाइन है और बहुत मजे से ये मेरे फेस पे इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। ट्रस्ट मी, मेरे कहने पर एक दफा ये कंसीलर आप लाजमी खरीदें। तो यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। साथ में मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा मिस लारा का ये लिप ऑयल ऑर्डर किया था। इसकी पैकेजिंग, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ऑर्डर कर लेती हूँ। इसका कलर ऐसा है, आप इसको किसी भी लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक लाइट सा पिंकिश सा शेड आता है। और लिप्स पर अगर आपने लिपस्टिक ना भी लगाई हो तो बहुत ही ज़्यादा लिप्स आपके ना जो है प्लम्पी से लगते हैं। सभी मैंने मिस रोज़ का लाइनर भी ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी डेली जाना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के लाइनर मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो ये वाटरप्रूफ है, मेरी आंखों में पानी भी बहुत जल्दी आ जाता है तो ये फैलता नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के आईलाइनर अप्लाई करने की जब आपने डेली ही यूनिवर्सिटी जाना होता है। साथ में मैंने ये लिक्विड ब्लश भी ऑर्डर किया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। वैसे मैं पाउडर वाला यूज़ करती हूँ लेकिन वो पाउडर वाला क्या है थोड़ी देर बाद उड़ के गायब भी हो जाता है। नाउ यू कैन सी इसका कलर किस कदर खूबसूरत है। मैं वैसे पिंकिश किस्म के नहीं लगाती हूँ ब्लश क्योंकि मेरा मीडियम कॉम्प्लेक्शन है तो मुझे जो है फेस पे ना पिंकिश किस्म के ना बिल्कुल भी ब्लशेस अच्छे नहीं लगते हैं। और इसको आपने बिल्कुल भी बेयर फेस पे अप्लाई नहीं करना, आपने कोई भी फाउंडेशन या इसमें कंसीलर मिक्स करके अपने फेस पे आपने अप्लाई करना है, फिर इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी। अब मैं आपको क्यूटो सा एक मस्कारा दिखाती हूँ, देखें इस पर लाइन बना हुआ। जब ये मेरे घर आया था ना तो मेरी भतीजी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। जब भी आप मस्कारा लें तो आप ब्रश की थिकनेस नोट किया करें, जितनी ज़्यादा ब्रश की थिकनेस अच्छी होगी आपके लैशेज में उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। ये बात ज़रूरी नहीं होती है कि आप महंगा मस्कारा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादातर जो है वो मिस रोज़ के ही मस्कारा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी ये आईज़ पर बहुत अच्छे से वॉल्यूम भी देता है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है। और मज़े की बात ये वाटरप्रूफ भी है। और इसके साथ मैंने 5-in-1 वेलवेट लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी। मैं इसके सारे स्वाचेस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मीडियम कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। नाउ यू कैन सी कि इसके सारे शेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक से एक शेड जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसके साथ मैंने एक जेली मास्क ऑर्डर किया था। सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा फेस डल हो जाता है तो ये फेस को ना बहुत ज़्यादा ग्लोई करता है, स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइटन अपसी लगती है। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा फेस पे अप्लाई भी किया था मगर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं चाहती थी कि आपको ग्लो इसका दिखाती कि इसको यूज़ करने के बाद कैसा ग्लो आता है। साथ इसके मैंने जो है 5-in-1 फेशियल मसाजर भी ऑर्डर किया था लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर किया मुझे था कि ये पता नहीं आएगा तो चलेगा भी या नहीं। इसके साथ जो है वो 5 किस्म के ब्रशेज आपको मिलेंगे। सारे ब्रशेज जो हैं इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन थी, 10/10 इनकी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ थे, फेस को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहे थे। इसके अंदर सेल डलते हैं, आपने इसको सेल डालकर ही यूज़ करना है। इसके साथ वैसे सेल नहीं आए थे, मैंने खुद ही मार्केट से परचेज़ किया था और साथ यहाँ पे एक बटन है। और जब यूज़ करने लगे तो फेस पे पहले अच्छे से आप जो है फेस वॉश लगा लें और फिर जो है इससे आप अपने फेस को ब्रश करें। 5 से 5 मिनट एटलीस्ट आपने लाजमी करना है ताकि आपके फेस पे जो भी मेकअप और डस्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लीन अप हो जाए। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप लाजमी क्या करें क्योंकि फेस एक ऐसी नेमत है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, आप इसको नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, एक्नी आपकी जान नहीं छोड़ेगी, तरह तरह के आपको स्किन इश्यूज़ और स्किन डिजीज़ रहेंगे। मैंने वैसे विंटर स्किन केयर रूटीन पर एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की भी है कि आपको किस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको विंटर्स में लेने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो लाजमी जाकर आपने वीडियो देखनी है, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बस फिर यहाँ पर करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, तो मिलते हैं किसी नए कॉन्टेंट और नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाजमी लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेकअप वगैरह कहाँ से परचेज़ करते हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।